दोस्तों आप सबका स्वागत है ग्रीन स्पून गार्डन में हमारे इस चैनल पर। और सबसे पहले मैं दीपिका जी का थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें ये वीडियो बनाने का मौका दिया और ये वीडियो हम कोलैब में बना रहे हैं, मतलब कि कोलैबोरेशन में एक हम वीडियो बना रहे हैं दीपिका जी और मैं मिलकर। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा मिर्च के ऊपर, कि मिर्च का जो प्लांट होता है उस पर आप किस तरह से अच्छी क्वालिटी में मिर्च ले सकते हैं। दोस्तों आपके सामने ये दो पौधे हैं मिर्च के, एक ये वाला एक ये वाला, और आप पॉट का साइज़ देख सकते हैं कि कितना छोटा साइज़ है। लेकिन इसमें इतना छोटा साइज़ होने के बाद भी देखिए कितने सारे मिर्च इसमें आ रही हैं, कम से कम इसमें 30 या 40 मिर्च कम से कम इसमें होंगी। और ये पौधा मेरा ऐसा नहीं है कि इसमें फर्स्ट टाइम मिर्च आई है, इसके अंदर मिर्च ये हमें बहुत टाइम से दे रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि छोटे पौधे के अंदर हम मिर्च किस तरह से ले सकते हैं। और एक ये हमारा दूसरा प्लांट है जो कि मैंने करीब मुझे लगाए हुए ये 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, ये देखिए, और ये बड्स भी आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर अभी तक मिर्च नहीं आई है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने पॉट में मिर्च किस तरह से ले सकते हैं और हमें कब फर्टिलाइज़र देना है मिर्च के अंदर, ताकि मिर्च का जो पौधा है वो हमारा फूल ना गिराए और वो हमें अच्छे से मिर्च दे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मिर्च का पौधा आपने सीड से लगा दिया है, वो करीब इतना बड़ा हो चुका है। अब इतना बड़ा पौधा होने के बाद हम उसको खाद कब दें? सबसे पहले हम उसको खाद तब देंगे जब इसके अंदर ये फ्लावरिंग आ जाएगी। देखिए ये जिस तरह से ये फ्लावर ये इसके अंदर बन चुका है, तो अब ये सही टाइम है इसको खाद देने का। तो खाद देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मिट्टी है हमारी इसकी थोड़ी सी हम गुड़ाई कर लेंगे, देखिए इस तरह से, किसी भी टूल की वजह से, आपके पास कोई भी टूल हो। और ये करने के बाद आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट आप ले सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, ये इसके अंदर मैं करीब करीब ये जैसे मेरा 10 इंच का पॉट है तो इसके अंदर मैं करीब 50 ग्राम या उससे थोड़ी कम मैं डाल दूंगा। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार डाल रहे हैं तो आप 30 ग्राम तक ही डालिए। देखिए इस तरह से ये मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दिए, आप हाथ से किसी भी टूल की मदद से इसको डाल सकते हैं। ये देखिए अब फूल आने के बाद खाद देना क्यों ज़रूरी है, अब ये क्वेश्चन भी उठता है। तो ये देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारी किसी भी फ्रूटिंग प्लांट पर फ्लावरिंग आती है तो उससे प्लांट को थोड़ी एनर्जी मिलती है जब हम उसके अंदर कोई भी कंपोस्ट डालते हैं, तो वो हमारे जो प्लांट की फ्लावरिंग होती है वो उसको गिराएगा नहीं और आपको फ्लावर से अच्छी तरह फ्रूट बनाकर वो दे सकेगा। तो देखिए इसके अंदर मैंने ये अपना वर्मी कंपोस्ट जो है वो डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से एक बार और फिर से मिट्टी के अंदर मिला दूँगा, और मिलाने के बाद इसके अंदर मैं वाटरिंग कर दूँगा। देखिए दोस्तों इसके अंदर मैं वाटरिंग कर रहा हूँ, अच्छे से इसके अंदर मैं वाटरिंग करूँगा। ये खाद देने का जो टाइम है और जो वाटरिंग का टाइम है ये आपको हमेशा शाम के टाइम में करना है। दोस्तों खाद हमने डाल दी है, तो एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बताना चाहूँगा कि मिर्च के प्लांट पर ये देखिए आपको ये दिख रहे होंगे ये इस तरह से ये साइड में बिल्कुल नीचे तक ये लीव्स आ रही हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लीव्स, इसको हम काट देंगे क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे प्लांट की जो एनर्जी होती है ये उसको अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें अपने प्लांट की जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग में लगानी है ताकि हमें अपने फ्लावर से फ्रूट मिल सके, यानी हमें अपने इस प्लांट से मिर्च मिल सके। तो करीब एक तिहाई तक इसको हम काट देंगे, ये देखिए मैंने एक तिहाई तक काट दिया, ये वाली लीफ भी मैं दोनों काट दूँगा, ये देखिए ये मैंने काट दिया और इसको आप निकाल कर अलग रख। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं अपने छोटे प्लांट की, छोटे की इतने छोटे से पॉट के अंदर, ये करीब 5 इंच का पॉट होगा। अब इतने छोटे पॉट के अंदर ये हमारी मिर्च किस तरह से आ रही है, क्योंकि आपने सबने सुना होगा कि फ्रूटिंग प्लांट के लिए बड़ा गमला कम से कम 10 या 12 इंच का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें छोटे गमले के अंदर भी फ्रूट हम ले सकते हैं, अगर उसकी सही तरह से हम केयर करें तो हम ले सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपकी फ्लावरिंग आ रही हो तो आपको खाद किस टाइम पर डालनी है और आपको कितनी डालनी है। अब सेकंड टाइम जो हम खाद डालेंगे वो तब डालेंगे जब हमारी ये मिर्चियाँ बन जाएंगी। ये देखिए अभी ये प्रॉपर मिर्च कंप्लीट तैयार नहीं हुई है, लेकिन ये करीब करीब ये देखिए
ये करीब 1.5 इंच की या फिर 2 इंच की मिर्च बन चुकी है, तो अब इसका सही टाइम है इसमें खाद डालने की। लेकिन पहले इसके अंदर हमने खाद डाली थी करीब करीब 40 से 50 ग्राम, लेकिन अब हम इसके अंदर थोड़ी सी खाद डालेंगे करीब 10 से 15 ग्राम। ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो खाद डालने से पहले इसको थोड़ा सा मिट्टी को उखाड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको उखाड़नी जरूर पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से मिट्टी थोड़ी सी मेरी ऊपर ऊपर से ड्राई है, तो ऊपर ऊपर से अगर ड्राई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे से थोड़ी वेट होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस करते हुए आपकी थोड़ी सी जो रूट्स हैं वो कट सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये देखिए 10 से 15 ग्राम खाद इसके अंदर मैंने डाल दिया, और अब मैं इसके अंदर सेम वही प्रोसेस में मैं वाटरिंग कर दूंगा। दोस्तों बात करते हैं इसकी लाइट और लोकेशन की, कि इसको हमें किस तरह से रखना है और किस तरह की लोकेशन में रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने मिर्च के प्लांट से अगर आप मिर्च चाहते हैं, बहुत ही अच्छे मिर्च चाहते हैं, तो आपको इसको फुल सनलाइट में रखना होगा, जहाँ पर इसको करीब करीब 5 से 6 घंटे की तेज कड़क धूप मिल सके, क्योंकि इस प्लांट को जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ज़्यादा ये आपको फ्रूट देगा और उतना बड़ा फ्रूट देगा। दोस्तों लाइट और लोकेशन की हमने बात कर ली, पॉट की बात कर ली हमने, सॉइल की बात कर ली हमने, वाटरिंग की बात कर ली। अब सबसे लास्ट स्टेज में आते हैं हार्वेस्टिंग। अब अपनी मिर्च को हमें हार्वेस्ट कब करना है? देखिए मिर्च जैसे एक ये वाली मिर्च आप देख रहे हैं, इस मिर्च का जब साइज़ करीब करीब इतना हो जाए, मतलब एक जैसे नॉर्मल मिर्च का साइज़ होता है, जब उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाए और आपको लगे कि अभी हार्वेस्ट करने के लायक है, तब आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसको टाइम से हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो उसी के अंदर पकती रहेगी, और पकने के बाद वो लाल हो जाएगी। तो इसी तरह की आपको केयर और टिप्स फॉलो करनी होंगी अगर आप अपने प्लांट पर मिर्च अच्छे से चाहते। वैसे ऐसा माना जाता है कि अगर आपका कोई टमाटर का प्लांट है या अगर आपका कोई मिर्च का प्लांट है, तो उसमें फ्लावर आने के बाद अगर आप उसको इस तरह से हिलाएं अपने किसी ब्रश से, या मतलब उसको इस तरह से टिकल करें, मतलब एक तरह से गुदगुदी करें, ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, तो ये कहा जाता है कि इसके अंदर फ्रूटिंग और भी अच्छी आती है। तो आप दिन में एक या दो बार कर सकते हैं इसको। अगर आपके पास कोई वाइब्रेटर हो तो आप इसमें इस तरह से वाइब्रेटर भी लगा सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है, लेकिन मैं इस बात को बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा सच में होता है। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ग्रीन स्पून गार्डन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे प्लेलिस्ट को आप हमारे चैनल पर अगर ज़रूर चेक कीजिए कि हमने उसके अंदर किस तरह की वीडियोज़ डाली हुई हैं। और दीपिकास टेरेस गार्डन जो चैनल है, जो दीपिका जी का चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उनकी वीडियोज़ भी काफ़ी अच्छी आती हैं।